In this changing world, it's harder than ever to find something extraordinary. आज की हमारी वीडियो का मौजू है अपनी आवाज को बेहतर कैसे बनाएं? How to make your voice deeper. It relaxes your throat muscles. It relaxes your vocal. शुरू में जब मैं वीडियो बनाता था तो मुझे अपनी आवाज सुनकर अजीब सा लगता था, लेकिन फिर मैंने अपनी जदोजहद से अपनी आवाज को बेहतर बना दी। अब कम से कम अपनी आवाज सुनकर मुझे हंसी नहीं आती। आप भी अपनी आवाज को बेहतर बना सकते हैं, वो भी एक चुटकी में, हरगिज नहीं। तो ये सब ड्रामा क्यों किया? ये बच्चों का खेल नहीं है कि आप इसे एक चुटकी में हल करें। इसके लिए आपको थोड़ी बहुत मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, उसके बाद जाके आप अपनी आवाज को बेहतर बना सकते हैं। अपनी आवाज को बेहतर बनाने में चंद महीने जरूर लगेंगे, तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि अपनी आवाज को बेहतर कैसे बनाएं। आवाज को डीप बनाने के लिए जरूरी है कि आपकी आवाज गले से नहीं बल्कि सीने से आए। जितनी गहराई से आपकी आवाज निकलेगी उतनी ही आपकी आवाज डीप होगी। But every once in a while, a symbol of hope breaks through. रोजाना कुछ वक्त के लिए इसकी मशक करें और कोशिश करें कि आपकी आवाज सीने से निकले, तब इसमें डीपनेस पैदा होगी। दूसरी बात यह है कि रोजाना की बुनियाद पर गर्दन की वर्जिश करें, जैसे फ्रंट बैक, राइट एंड लेफ्ट, और इसके बाद राउंडिंग। कुछ लम्हों के लिए ऊपर की तरफ देखते हुए अपनी आवाज को डीप बनाने की कोशिश करें। आप उन लोगों की वीडियोस देखा करें जिनकी आवाज डीप है, और कोशिश करें कि आप भी उसी लहजे और उसी अंदाज से बात करें। रोजाना की बुनियाद पर कुछ मिनटों के लिए ऊंची आवाज में रीडिंग करें, और रीडिंग करते हुए ये बात याद रखें कि आपकी आवाज डीप हो और भारी हो। इस मशक से आपकी आवाज के साथ साथ आपका लहजा भी दुरुस्त हो जाएगा।